नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। 5 बजे का बुलेटिन देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। डबरा से बताएंगे आपको खबर, जहां डबरा में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं दोनों के बीच मारपीट हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में जनसंपर्क कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने के आरोप में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के साथ गाली गलौज की गई, ये भी खबरें हैं। विवाद के बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए, एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो भी मारपीट में मारपीट के आरोपों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गए और इस दौरान एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के हालात बन गए। बाद में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया। जनसंपर्क अभियान का तो वहाँ पर ये मुकेश और उसका भाई, ये चारों भाई वहाँ पहुँचे, मोहरजी और दयाल, ये चारों भाई वहाँ पहुँचे। कहा हमारे कार्यकर्ता कुशवा जी मारपीट की और उनके घर में जाकर उनके माँ बाप को मारपीट की। वहाँ हम सुनई बरोडे जाने वाले थे, तब तक वहाँ मुकेश अपने भाई को लेके और नहीं मालूम उन्होंने आपस में मारपीट की है क्या किया, या भाई को लेके आ गया तो हमने भी क्या हो गया। तो आते यार जवाब तो मत करो। उसने यहाँ 20 थाने में जूता उतार के उल्टा डाला, 10 बार झोंका और ये कहा कौन प्रशासन में किस भाई के गाड़ में हिम्मत है वो गांव में घुस के दिखा दे, चाहे प्रशासन हो चाहे तुम हो। उसके बाद मैंने कहा कि ये तो गलत है भाई, अगर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है तो एक पक्ष का कैद है, उसको आप थाने लेके आइए, सुरक्षा लेके उसकी बात सुनिए। तब तक उसका भाई दूसरा दयाल मेरे को यह चैलेंज करके गया कि तेरे में गोली मार दूंगा और देखता हूँ कौन चुनाव कराता है। ये स्थिति है। आपस में भिड़ गए और दोनों ही थाने भी पहुंच गए। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो भी इस मामले में कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पक्ष के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ। सुदीप संवाददाता फोन लाइन पर डबरा से हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरी खबर को समझाएंगे विस्तार से। बताइए क्या मामला हुआ सुदीप? कांग्रेस कार्यकर्ता प्रचार के लिए सुदीप बरोड़े गाँव गए हुए थे। उनका आरोप है जब वो प्रचार कर रहे थे कभी गाँव के कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी जमकर मारपीट कर दी, वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे और जब उसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी अपने कांग्रेस नेताओं को दी तो कांग्रेस कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी सुरेश राजे एवं पूर्व मंत्री जो कि विधानसभा प्रभारी अभी डबरा की विजयलक्ष्मी साधो उनके साथ देहात थाने पहुंचे तो वहां भी वो दमन बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए और पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी के साथ गाली गलौज तक बात पहुंच गई। जब वहां अन्य कार्यकर्ता एकत्रित हुए तो बीजेपी कार्यकर्ता वहां से भाग गए। उसके बाद वो भी अपने कुछ नेताओं के साथ थाने पहुंचे और एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया। जब पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनी तो उसके बाद दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस में मामले को दर्ज कर लिया गया। चलिए अब मामले में आगे क्या हो रहा है, पुलिस क्या कह रही है कि मामला दर्ज हुआ है और दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है तो किसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? कि कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस प्रत्याशी है सुरेश राजे उनकी तरफ से जो आपत्ति दर्ज कराई है, जो मामला दर्ज कराया गया है वो बीजेपी के 4 कार्यकर्ता है जिनमें एक मुकेश परियार है सुबई बरूटे गांव के रहने वाले। हाँ। उनके खिलाफ और उनके भाई जो अन्य कार्यकर्ता है उनके खिलाफ मारपीट का आरोप उन्होंने लगाया है। वही जो बीजेपी कार्यकर्ता है मोहर सिंह उनकी आवेदन पर बीजेपी के कुछ नेताओं के कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है। यानी दोनों ही पक्ष के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? जी। आप ये बताइए सुदीप, ये सुरेश राजे जो कह रहे हैं कि वहाँ उनको इस तरह की धमकी दी गई कि उस गांव में आप पैर मत रखिएगा और तरह तरह की बातें वो बता रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई उन्हें किसी गांव में किसी जगह पर जाने से रोका गया जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं? जी, आपको बता देना चाहता हूँ कि डबरा चुनाव है जो उपचुनाव पहले ही से हाई प्रोफाइल है, यहाँ तरह तरह की बयानबाजी पहले ही को हमको देखने को मिल रही है। भाई कांग्रेस प्रत्याशी ने सीधे सीधे प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में काम करना बताया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकल पुलिस और प्रशासन के आगे डबरा विधानसभा उपचुनाव निष्पक्ष तौर पर नहीं हो सकता और चुनाव आयोग से उन्होंने मांग की है कि बाहर से पुलिस और प्रशासन को बुलाकर डबरा चुनाव को पूरा किया जाए। अब आने वाले समय में जिस तरह की वो बातें कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, पुलिस प्रशासन बीजेपी के कंट्रोल में काम कर रहा है, इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं
अब क्या चुनाव आयोग इस मामले में दखल देने जा रहा है, किस तरह की खबरें आपके पास आ रही हैं? और चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। जयप्रकाश शर्मा है डबरा से, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्ते मैडम। आपके क्षेत्र में काफी मारपीट की खबरें आ रही हैं, कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में ही मारपीट कर रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? सबसे पहले मैं बता दूं मैडम जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ये बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिख रहा है कि वो चुनाव हार रही है, जनता का जो अपार जन समर्थन कांग्रेस के प्रत्याशी को मिल रहा है, उस बौखलाहट के कारण इमरती देवी के लोगों के द्वारा आज हमारे प्रत्याशी जिस गांव में जनसंपर्क करने गए थे जी, उस गांव में कुछ इमरती देवी के लोगों के द्वारा हमारे कार्यक्रम में आकर तोड़फोड़ कर दी गई, कुर्सियां तोड़ दी, माइक वगैरह तोड़ दिए, टेंट का सामान उखाड़ के फेंक दिया। फिर जब हमारे प्रत्याशी उस जगह पर पहुंचे तो प्रत्याशी को धमकी दी गई कि यदि आप इस गांव में यदि जनसंपर्क करोगे तो मैं गोली मार दूंगा। जब उनके लोगों के द्वारा उनको गाली दी गई, अनावश्यक परेशान किया गया, जब हमारे प्रत्याशी सुरेश राजे जी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने आए तो वो लोग पुलिस थाने में आ गए कि बोले वहाँ पुलिस थाने में पुलिस के सामने धमकी देते रहे कि हम तुमको गोली मार देंगे यदि सुरेश राजे जी आपने गांव में कदम रख दिया तो। ये सारे सब इसके सबूत पुलिस स्टेशन में कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरे में सारा रिकॉर्ड है। हमने उससे पुलिस से एक आवेदन देकर हमने उसकी रिकॉर्डिंग भी मांगी है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसको मूक बनकर देखता रहा। पुलिस के सारे सब इंस्पेक्टर, TI, हवलदार, सारे के सारे पुलिस वाले देखते रहे, लेकिन जो व्यक्ति जिसने धमकी दी है वो 302 का अपराधी है और 302 में वो व्यक्ति जमानत पर है, उस पर कई अपराध है। ऐसे व्यक्तियों के मेरे जहाँ तक मेरा सोच है ऐसे व्यक्तियों को तत्काल जिला कदर की कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, अब मुझे एक सेकंड जयप्रकाश जी, ये सुदेश जी जब जा रहे थे वहाँ पे, सुरेश राजे जी जो कैंडिडेट हैं डबरा से, ये जब प्रचार प्रसार करने के लिए जिस गांव में जा रहे थे उनके साथ लोग कितने थे? उनके पास करीब 10-12 लोग थे उनके साथ। ठीक है, 10-12 लोग उनके साथ थे। यहाँ जो मामला दर्ज हुआ है महज 4 लोगों पर हुआ है जो गांव में आने से उनको रोक रहे थे। ठीक है मैडम, जब गांव के बताइए ठीक है कि नहीं है ये बताइए। ये 4 लोग हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया, जो बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं आप लोगों के अनुसार, उन 4 लोगों के नामजद का उसमें FIR में जो भी कर रहे हैं। जब उन्होंने हमला किया कुछ लोग मुंह बांध कर आए थे, वो लोग उसमें से भाग गए। अच्छा। उन्होंने उनके सुरेश राजे के ऊपर हमला किया। हाँ। और जब उनको जो सुरेश राजे जी जानते थे नाम से, उन लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा कायम कराया। ठीक है, यानी आप मामले में आगे आप लोग किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? यदि मैडम हम चाहते हैं यदि डबरा में निष्पक्ष चुनाव कराना है तो सबसे पहले डबरा के अंदर एक IS की व्यवस्था होना चाहिए। डबरा में तभी चुनाव हो पाएगा यदि प्रशासन, पूरा प्रशासन इसमें दबाव में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि एक पक्ष सुन रहे हैं ना दर्शक, एक पक्ष सुन रहे हैं, दूसरा पक्ष में हम कोशिश कर रहे हैं कि बात हो पाए और ये पता चलता है ये स्पष्ट है। ये थाने में आकर कोई भी व्यक्ति पैर पटक पटक कर कह रहा है जो हुआ सुरेश राजे जी आप मैं गोली मार दूंगा, ये क्या है, ये स्पष्ट दिख रहा है। हाँ। तो पुलिस ने उस जो ने भी कहा उस युवक को या उस व्यक्ति को, पुलिस ने उसी वक्त अरेस्ट नहीं किया? नहीं किया, ये पुलिस की लापरवाही है, पुलिस मूक बन होकर देख रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में सरेआम गुंडागर्दी हो रही है मैडम। लेकिन ये भी तो हो सकता है जयप्रकाश जी, ये भी तो हो सकता है कि पहला जो मामला उठाया गया हो या पहले जो वार की स्थिति आई हो वो कांग्रेस की तरफ से आई हो। ये तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ, हम कार्यक्रम कर रहे थे वहाँ, मंच को तोड़ा। ये गांव के लोगों को भी, जिस गांव के लोग थे जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उन्होंने गांव के लोगों के साथ भी रिपोर्ट किया। उस गांव में इतना दहशत का माहौल है कि वो लोग, कुछ लोग गाँव छोड़कर चले गए हैं।
ये अभी अभी हुआ है, पहले से ही चल रहा था कि ये अभी अभी हुआ है मैडम? मतलब इतना डर गए इस चुनाव में लोग कि लोगों को क्षेत्र गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, जब उनकी मारपीट की गई कुछ लोग तो गांव से भाग गए, इतना दहशत का माहौल है। तो गांव यदि डबरा में निष्पक्ष चुनाव किया उन्होंने या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भी की, ग्रामीण के जिस गांव में कार्यक्रम था उस गांव के लोगों के साथ भी मारपीट की कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया, ये गांव में का इसका कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। चलिए चलिए ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से या किसी नेता से पॉलिटिशियन से हमारा संपर्क हो सके। चलिए फिलहाल शुक्रिया जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक पक्ष आपने सुना, जयप्रकाश कांग्रेस से जिला अध्यक्ष हैं डबरा के, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे। जिस गांव में प्रचार प्रसार करने सुरेश राजे जा रहे थे वहां पर इनका बताना है कांग्रेस का कि मंच जो सजा था वहां पहले तोड़फोड़ की गई और फिर जब सुरेश राजे पहुंचे तो उनके साथ भी गाली गलौज की गई, पुलिस थाने में ही धमकियां दी गई हैं, ऐसा कांग्रेस का बताना है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं संवाददाता सुदीप से बात हो जाए तो हम और भी ज्यादा उनसे क्लियरिटी समझ सकेंगे कि क्या आखिर वहां मैटर हुआ, कि कांग्रेस जो कह रही है कितनी सच्चाई उसमें है और बीजेपी जिस मामले को लेकर अभी कोई पक्ष उनका सामने नहीं आया है, आखिर हुआ क्या वहां पे, क्या वाकई पुलिस के सामने ये पूरा घटनाक्रम होता रहा और पुलिस ने किसी मामले में किसी को अरेस्ट नहीं किया? चार लोगों के नाम जरूर दर्ज किए गए हैं, नामजद एफआईआर हुई है या कंप्लेन हुई है, फिलहाल ये भी पुष्टि नहीं हो पा रही, यहाँ कंप्लेन हुई है ये जरूर बताया जा रहा है।